तो ये रही विंडशील्ड, तो इसको खोलता है तो ये खुल चुकी विंडशील्ड। देन तो ये देखो जी, लग गई विंडशील्ड, लग गई नंबर प्लेट। तो आज कुछ धांसू करने वाला है। वील जस्ट चेंज दिस विंडशील्ड एंड दिस वाज अ कार्बन रेसिंग विंडशील्ड, गुड विंडशील्ड, बट लगता है ना कि एक टाइम के बाद कुछ चेंजेस चाहिए, तो वही चेंजेस करने वाला हूँ मैं। एंड यहाँ पे रस्टिंग आ चुकी है, देन 3 साल यूज़ किया हूँ मैं, तो लेट्स अनबॉक्स। नया वाला कुछ पेयर्स आया है, बेली पैनल आया है, लेट्स अनबॉक्स दैट। तो अभी आया है ये वाला बेली पैनल का, सामने का अल्मीनियम का है। इट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ बेली पैनल। दिस इज़ द थिंग आई वॉन्टेड टू फिट ऑन अ डोमिनर। ये इसके बगैर डोमिनर का जो विंडशील्ड है वो फिट नहीं होने वाला है, तो ये भी आ चुका है। देन आई विल शो यू व्हाट एल्स हैज कम। बेली पैनल का LH राइट साइड का, बेली पैनल का LH राइट लेफ्ट। देन इट्स एन लेफ्ट साइड का बेली पैनल है। और स्क्रूज, नट्स, इसका वॉशर्स, और ये विंडशील्ड का 4 स्क्रूज, एंड दिस इज बेली पैनल का फिटिंग्स। स्टार्ट, तो इसको खोलता है। चार बोल्ट्स को खोलना है, जैसे फिट करना है, जो जो फिट करना है। कंप्लीट वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं। तो ये खुल चुकी विंडशील्ड। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वॉलनट है, यू नीड टू चेंज दिस 4 वॉलनट्स। जैसे आप नया विंडशील्ड लेते हो तो ये 4 वॉलनट्स बदलो, 1, 2, 3, 4। और थोड़ा सी गंदा हो चुका है, आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज़ द प्रोडक्ट आई यूज़ फॉर क्लीन। तो ये रहा जी बायो वॉश, एकदम चकाचक कर देगा काम। डस्ट स्प्रे, एक मिनट छोड़ दो, जस्ट वाइप इट आउट। एकदम ब्रांड न्यू, करेक्ट। इसको चारों वॉलनट को बदलाते हैं, 1, 2, 3, 4। 4 वॉलनट हैज़ टू बी चेंज। चार चार 8 पीस चाहिए वॉलनट का। 4 पीस तो आपको विंडशील्ड के, जो विंडशील्ड लेते हैं आप वो किट में आ जाएगा, मगर ये वाला 8 पीस चाहिए, याद रखिए। तो इसको फिट करने का एक तरीका है, यहाँ रबर वाली फोम है, आपको क्लोजर लुक दिखाता हूँ कि कैसी फोम है। एक रबर वाला पैड आता है फोम जैसा, जो रबर का होता है, वो मेरे पास था एक्स्ट्रा, तो यहाँ 3 इस पे लगा दिया हूँ। तो एक ऐसा बैठेगा तो वाइब्रेशन, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करेगा। एक्शन जो आता है आफ्टर 50-60, जब आप फुल RPM में रैप करते हो तो वाइब्रेशन नहीं आएगा। तो दिस इज़ द सोल्यूशन। फोकस फोकस, कैमरा फोकस पकड़ रहा है क्या? यस, यू कैन सी क्लियरली नाउ। ये वाला एकदम स्पॉन्ज जैसा है, रबर वाला मटेरियल है, ठीक है। तो इसको बिठाना है, वॉलनट लगाना है, 4 वॉलनट इधर और 4 वॉलनट इसमें। वॉलनट लगाने का भी तरीका बताता हूँ, क्योंकि वॉलनट अब जैसे ही अंदर डालते हैं तो के अंदर घुस जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये 3M का जो टेप है इसको थोड़ा खींच के इसके ऊपर रोल कर दो। देखो से दिख रहा है, उसके बाद में इसके अंदर रख के
हफ्ता बाद हो कि वो हिलेगा भी नहीं। जब आप स्क्रू टाइट करोगे ना, स्क्रू टाइट होएगा तो वो घूमेगा भी नहीं, ग्रिप का ग्रिप बना रहेगा। तो दिस इज़ द बोल्ट्स। इस बोल्ट के लिए फाइबर वॉशर चाहिए होगा। कैन यू सी हियर, एक फाइबर वॉशर एंड अ स्क्रू। इसके अंदर डाल लो, फाइबर वॉशर डालना है, इसको सिर्फ ऐसे लगाना है। नहीं बोलना, सैयद भाई ने नहीं बताया। ओके, चारों साइड ऐसे करना है, टाइट करना है। तो ये हो गया जी टाइट। कैन यू चेक आउट द वाइब्रेशन नाउ? थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं है। अभी लगाएंगे विंडशील्ड को। विंडशील्ड देखो, अगर ज़ोर से टाइट करेंगे तो रबर अंदर चला जाएगा। यही प्रॉब्लम के लिए मैंने क्या लगाया था, 3M का टेप लगाया था। तो नंबर प्लेट फिट करते हैं, अभी उसको थोड़ा ठीक करते हैं। तो नंबर प्लेट का क्लैंप भी बैठ चुका है, तो नंबर प्लेट का ये जो नट्स आता है ना, ये नहीं आता, स्क्रूज आता है उसके साथ। जो एक्टिवा की लेटेस्ट बैटरी में जो नट्स बैठते हैं, दो नट ले लो, ये भी फिक्स हो जाएगा। ये लो जी, नंबर प्लेट भी बढ़ गया। तो मेरा तो प्रेसिंग वाला नंबर प्लेट है, तो वेरी इजी टू फिक्स। तो ये बैठा नंबर प्लेट। फोर एंड आफ्टर कार्बन रेसिंग का भी उतना ही हाइट आएगा। सो और एक चीज़ को अनबॉक्स करते हैं, लगाते हैं। लगता है कि वीडियो एकदम लंबा ही हो जाएगा। आई विल शो यू वन मोर थिंग। जो वाइजर के ऊपर आता है, प्रो स्पेस का है ये, मैंने यहीं से लिया था, जेसी रोड से। तो इसको लगाएंगे इधर, तो विंड बफटिंग साउंड कुछ भी आने वाला नहीं है। वीडियोस में मस्त वीडियोस आएंगे अभी, ठीक है। तो ये देखो जी, लग गई विंडशील्ड, लग गई नंबर प्लेट, प्रो स्पेस की प्रो शील्ड है, इजी राइड की है वो कंपनीज, इजी राइड। अभी आप ये मत पूछो कि कहाँ से लिया, गो ऑन अ गूगल, यू कैन जस्ट सर्च आउट। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट बेली पैनल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बेली पैनल करेंगे। इसका मोबाइल का स्टैंड जो है ना, वो आया नहीं है अभी तक। तो दिस गैप विल कवर अप, ये जो गैप दिख रही है ना, जो मोबाइल का स्टैंड लगेगा, तो ये इसको निकाल के फेंकेंगे, इसको निकाल के साइड में रख देंगे। ये अपन ने बनाया था इसको, तो इसको निकाल देंगे। तो नेक्स्ट मोबाइल चार्जर नहीं, नेक्स्ट तो बेली पैनल तो अभी आ गया है, बेली पैनल नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद मोबाइल चार्जर और ये वाला रैक, दिस कंप्लीट सेट हैज़ टू बी चेंज्ड, ठीक है। चार्जर का तो वीडियो आपने देख लिया, चार्जर हो गया, अभी मोबाइल का स्टैंड,
ये वाला एक एक्स्ट्रा लग गया, तो देख लो।